आपने देखा हो तो जो आपातकाल लगा था, एक अलग तरह का आपातकाल लगा था इस देश में, और पहली बार लगा था ऐसा आपातकाल। उससे पूर्व में भी आपातकाल लगते आए, दो बार पहले भी लगे थे, जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब भी आपातकाल लगा था। लेकिन उस आपातकाल की श्रेणी अलग थी, देश के अस्तित्व को बचाने के लिए और देश की नागरिकों की रक्षा के लिए वो आपातकाल लगा था। ये आज के दिन जो आज से 45 साल पहले आपातकाल लगा, वो एक अलग तरह का आपातकाल था। कांग्रेस द्वारा खुद के अस्तित्व को बचाने के लेकर, खुद के परिवार को बचाने के लेकर के जो आपातकाल लगा, वो आज से 45 साल पहले लगा था, और वो सबसे लंबा आपातकाल था। 21 महीने का आपातकाल लगा 1975 से लेकर 1977 तक, और इतना बड़ा आपातकाल लेकर के लगा। और आम जनता, आपने देखा हो तो प्रेस की भी आज़ादी उस वक्त छीन ली गई थी। 21 महीने को प्रेस की आज़ादी छीनी, आम जनता की आज़ादी छीनी, सभी जितने भी प्राइवेट कल कारखाने थे उन पर बैन लगा दिया गया, आम जनता तरीके से निकल नहीं सकती थी। इस तरह का आपातकाल बिल्कुल जो काला दिवस के रूप में दिया गया और काले दिन गिने गए, उसी को लेकर के आज हम यहाँ सभी उपस्थित हुए। और उनके जो काला दिन था, हम लोकतंत्र की आज़ादी को काला दिन मानते हैं, उसी काले दिन को याद दिलाने के लिए और पार्टी कार्यकर्ताओं को बताने के लिए कि उस दिन कैसे कैसे हुए थे और आम जनता के साथ कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था, विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों में बैन लगाए गए थे, उनको जेलों में ठूंस दिया गया था, उसी की याद दिलाने के लिए आज हमने यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया।